नमस्कार, मैं रविकांत। लोजपा में घमासान मचा हुआ है, माफ करिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा रामविलास में। कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि लोजपा से दोनों टूट कर बना है या कट कर बना है, फिर चुनाव इलेक्शन कमीशन ने दोनों को मान्यताएं दी। मगर अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में लोजपा रामविलास के कई नेताओं का आने का क्रम जारी है। पहले आरएलजेपी में से लोजपा रामविलास में भी कई नेताओं का जाने का क्रम जारी था, पर अभी देवजानी मित्रा है हमारे साथ। कुछ ही देर पहले मोदी सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने सभी को माला पहनाकर सम्मानित करके अपनी पार्टी मिला, और उनका कहना है कि और भी नेता आने वाले हैं। उसी के नियमित मैं बात करने आया हूं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में। क्या कुछ कहेंगे मैम? चिराग पासवान की तरफ आप 6 महीना पहले प्रवक्ता बनी थी, डायरेक्ट यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या समझा जाए? सबसे पहले तो मैं 6 महीना पहले नहीं बनी बनी थी, मेरी जी ज्वाइनिंग हुई थी लास्ट ईयर। एंड मुझे समझ नहीं आया कि वो पोस्ट उन्होंने क्यों दिया। जी तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा एक आदत है कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं जी उसको हमेशा 100% निभाने की कोशिश करती हूँ। जी ऐसा नहीं कि भाई एक पद लेके मैं बैठ जाती हूँ। तो जब जी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और मैं मयंक जी के कहने पे ही मैंने ज्वाइन किया था, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, तो उसके बाद फिर राजू भैया से बात हुई, फिर मैं वहाँ पे प्रवक्ता बने। 8 महीना वहाँ पे प्रवक्ता का मैंने काम सब संभाला था, जी और उस दौरान मुझे ये भी बताया गया था कि मैं टॉप की प्रवक्ता हूँ। टॉप नहीं बोलते वहाँ पे, टॉप बोलते हैं, टॉप की ये हूँ। उसके तो बाद मयंक जी फिर उधर चल जाएंगे, फिर आप क्या नहीं, करिएगा? बात वो नहीं है। देखिए मतलब आपका मेन राजनीति व्यक्ति आधारित है मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है, व्यक्ति आधारित नहीं है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मैं ज्वाइन की थी, मैं एक्चुअली तलाश रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा अपना भगवान की कृपा से बिजनेस सेटअप अच्छा है, मैं काम करती हूँ, सब जानते हैं। बिहार में 8-9 साल से मैं अपना टैलेंट हंट को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जी जब पता चला कि क्या कहते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेरे और भी बहुत सारे मित्र मीडिया में, प्रभाकर जी बोले और लोगों से भी मैंने बात किया था कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं एज अ स्पीकर मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिकेशन वगैरह का एक अलग मतलब चीज़ में आपने शुरू से चिराग मैं पासवान को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की अगर बात है तो चिराग जी से बड़ा इस्तेमाल मैंने, वो तो सबसे बड़ा सीढ़ी का इस्तेमाल किए। उनके पिताजी के नाम का धरोहर उनको मिला, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं तो बिहार में आई, मैंने मेहनत किया, मैंने काम किया, मैंने अपना पहचान खुद अच्छा, बनाया। ये अलग बात आप किस है, पार्टी में जाने वाले हैं? छोड़िए अभी उसे। हम कोई पार्टी में नहीं जाने वाले। और बात बाकी चीज़ ये भी है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता मतलब है। भाजपा अगर जदयू में जा मुझे सकते हैं? नहीं, जेडीयू का तो देखिए अभी मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आप ऐसी बातें करें जिसका कोई मतलब, इसको मैं ट्रैश बोलूंगी, इस टाइप का सवाल करना ही एकदम बेवकूफी नहीं, है। प्रदेश प्रदेश क्योंकि प्रवक्ता बने, यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरे तो भाई आप तो आओगे? ये मेरा किस्मत है, इसमें लोगों को खुश होना चाहिए। और मैंने कोई दान में या फिर कोई भीख में चीजें नहीं मांगी। अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो मेरे को दिया जाए, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं दिया जाए। लेकिन डेफिनेटली अगर मुझे कोई डिजर्विंग जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मैं 200% उसको निभाने की 24 घंटा में कोशिश करती हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है पार्टी में, स्पेशली यहाँ पे, कि मैं उनको फोन करके या फिर रेगुलर जो इंटरव्यूज होता है मैं अपना होमवर्क नहीं करती। ये अलग बात है कि मैं एकदम नहीं हूँ, मैं आज भी सीख रही हूँ। मैं बहुत सारा चीज़ मैं चंदन जी के इंटरव्यू से मैं सीख सकती हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बहुत सारा चीज़ मैं मनीष आनंद जी के इंटरव्यू से सीखती हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ चिराग जी के इंटरव्यू से सीखती हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ मैं नीतीश कुमार जी के इंटरव्यू से सीखती हूँ। तो लर्निंग प्रोसेस तो रहेगा। ज्वाइनिंग करना यहाँ का जो रीज़न बहुत सिंपल है, आपको एक एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है जहाँ पे आप अपने पार्टी के जो आपका विजन है उसको लेके आप आगे बढ़ सको। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आने के बाद मुझे ये फील हुआ है, लोग बताते थे कि यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ज़रूरी नहीं कि मुझे हर जगह पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव अभी करने कितना का, समय हुआ है आते मेरे को हुए? जितना भी समय हो, मेरे को 2 दिन में चीज़ें पता। वहाँ पे भी मैं कार्यालय रोज नहीं जाती थी, आप किसी से भी पूछ कहा लीजिए। 8 महीने रहे तो 8वें महीना तक मैं तो चिराग आठवें पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप अरे बना रही थी। बिल्कुल, और उन्होंने ही मुझे मना भी किया था कि प्लीज डोंट टॉक दैट आई वॉन्ट टू बी अ सीएम ऑफ बिहार, आई हैव दैट थिंग। उन्होंने मुझे खुद ही मना किया था, देवजानी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, आई विल बिकम द सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने इसी टोन में मुझे बोला था। तो मैंने जब सवाल किया क्यों, तो उनका कोई जवाब नहीं था उसी दिन ही। और ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे सवाल, क्योंकि मेरा है कि भाई मैं डायरेक्ट बात करूंगी, इफ आई एम हेयर आई एम बिकॉज ऑफ यू। मैं चिराग जी को देख के गई थी, मैंने बोला सर मैं आपके वजह से मतलब हूँ। अभी भी मुख्यमंत्री बनते देखना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, जब देखना मैंने चाहते नो हैं नो नो पारस जब जी को? क्या देखना चाहते वेट, हैं? पारस जी ऑलरेडी सेंटर में मिनिस्टर है, हम लोग को उनके क्या कहते हैं जो अपने पार्टी का जो विजन है, जो अभी जो फूड प्रोसेसिंग में है, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पहले भी मैंने प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क के साथ काम, मेरा बस यही है कि भाई यहाँ पे 3-4 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, लोगों का रोजगार हो और लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, और बाकी उनके मार्गदर्शन में जैसे जैसे होता जाएगा वो हम लोग करेंगे। और चिराग
अनुराग जी को छोड़ने का भी रीजन ही यही था कि व्हेनेवर आई एम आस्किंग समथिंग, जब भी मैं उनको कोई क्वेश्चन करती थी वो जवाब नहीं देते थे। जब भी मैं कोई डिबेट में जाती थी, सर इसका लाइन बता दीजिए, नो आंसर। तो उसके लिए प्रवक्ता की टोली होगी ना उनकी, मुख्य प्रवक्ता कौन है, किधर है? अरे भाई वो तो 17 साल एक्सपीरियंस है, 101 वो धरना दे चुके हैं भाई, वो ऑलरेडी सीजनड है, विंटेज है वो। वो लोग नहीं आजकल, वो लोग बताते क्या थे, वो लोग काम ही नहीं करते थे, खाली देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, हो रहा है आप, यही तो होता था वहां पे, एक दूसरे का एजेंट वहां पे लोग हैं। मैं पहले मतलब, भी बोलूं, मतलब कि आज, आपके करने आज, का मतलब आज, कि चिराग पासवान के नीचे जो लोग हैं वो अच्छे से लीड नहीं कर रहे थे। लीड क्या दे है, मैंने उनके वहां पे लीडरशिप की कमी है, वहां पे वन मैन आर्मी है, और वन मैन आर्मी कौन है, चिराग कुमार। यहाँ पर भी तो वन मैन, नो रॉन्ग, यहाँ पे देवजानी है, चंदन सिंह है, मनीष आनंद है, मयंक मौली है, चंदन कुमार है, अरबी और स्मिता, डॉक्टर तो स्मिता जुड़ाएंगे एक दिन से, राजू तिवारी भाई, उनके 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 जैसा हमारा ऑफिस रेरा का ऑफिस नहीं है कि सारे हम लोग बिल्डरों से फाइनेंस करवा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स ज्यादा है, यहाँ पे काम करने वाले लोग ज्यादा है, वहाँ पे लोग बैठ के सर अभी कहाँ क्या खाना खाए, सर अभी नाराज है, भैया नाराज है, भैया दुखे, ये सब नहीं करते हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे काम की बात होती है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, आए बात किए चले गए, क्या कहते चंदन जी का, क्या कहते इतना अच्छा अच्छा से वेलकम हुआ उसका, सर अपने इंटरव्यू दिए, अपने काम पे निकल। अच्छा, पारस जी बोल रहे हैं और नेता को तोड़ के लाने वाले हैं, और वो क्या तोड़ेंगे, लोग अपने से छोड़ के आ रहे, ही इज नॉट अ पर्सन। हमारे मंत्री जी वैसे इंसान ही नहीं कि वो तोड़ के लाएंगे, वो विश्वास करते हैं कि भाई काम अच्छा करेंगे। लोग अपने इंटरव्यू की बातें सुने मंत्री जी को, आप क्या? मैंने नहीं, मैंने उनको कभी असम्मानजनक, आप पूरा उठा के देख ले, मैं कभी नहीं बोला, आई कैन बेट इट, मैंने हमेशा बोला है कि पर्सनल बातें पर्सनल एंगल से सुलझ जाए तो बेटर है, और मुझे बिल्कुल डर नहीं है कल अगर चिराग कुमार पासवान और मंत्री जी एक हो जाए। हम हमेशा चाहेंगे कि घर की प्रॉब्लम घर के लोग सुलझ जाए, बाहर के आदमी का कोई स्थान नहीं है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं हमेशा खड़ी हूं। अच्छा, आप किस पार्टी में जाएगा मैम, जिस तरह से पार्टी बदल रही है वैसे क्या कहा? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस के कोई बड़े नेता रातों रात उठ के अगर बीजेपी में आते तो उसकी बात, मैंने आई एम सो इम्पोर्टेंट, मैंने फाइनली मुझे पता तो चला कि देवयानी की इतनी इंपॉर्टेंस हुई छोड़ने के बाद। भैया इतना चाहे चाहे काहे काहे जब रहते थे उस वक्त क्यों नहीं आप लोग भाव दिए, उस वक्त क्यों नहीं, जब मैं सवाल करती थी, जब मैं बोलती थी इस पे ध्यान दिया जाए, उस वक्त आप लोग क्यों ध्यान नहीं दिए? छोड़ने के बाद ही राजू जी का फोन, तो भट्ट जी का फोन, ये सब क्यों क्यों आता है, क्यों आता है? अगर बोलेगा तो उसका भी, आजकल मैं भी कॉल रिकॉर्ड करना सीख गई हूँ रहते रहते, पहले सब मैं नहीं, बिजनेस पे सब जरूर नहीं, लेकिन मुझे लगता है पार्टी पॉलिटिक्स में होता है। क्यों क्यों छोड़ी मैडम, आप क्यों नहीं बोली, क्या तकलीफ है? अरे भैया जब तकलीफों की लिस्ट आपको डाल दिए थे उस वक्त आपकी नजर क्यों नहीं गई? वाई देर इज नो स्टैंड, आप क्यों नहीं बोलोगे कि आप किस पार्टी में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? पार्टी लाइन प्रवक्ता खुद ही अपना होमवर्क खुद ही कर रहा है। ये मेरी क्या कहते हैं विजडम बोलिए, या फिर क्या कहते हैं, मैं आप सबका जितना मीडिया का इंटरव्यू देख देख के मैं अपना एक जिस्ट बना के उसके ऊपर मैं बोलती थी, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, नो हेल्प बट स्टिल आई डिड माई वर्क। चलिए, बाप रे, एकदम पूरा एकदम हल्का कर दी मैडम। अरे भाई आप चिराग जी का नाम लेंगे तो आएगा है ना गुस्सा, कुछ 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 अच्छा नाम लें आप, फालतू का नाम लेते। एक महीना पहले मुख्यमंत्री बना रहे, बिल्कुल बना रहे थे, क्योंकि वो मुझे लगा था कि वो पीएम क्या कहते सीएम मटेरियल है, लेकिन वो सिर्फ सीएम मटेरियल बनने पर फोकस कर रहे हैं। He is nothing to do with बिहार एंड बिहारी। भैया दो सवाल है उनसे, जमुई का भीड़ देखी है, मोकामा का भीड़ देखी है, वो मेले का भीड़ है, वो मेला देखने गए लोग, मेला के भी, मेला का भीड़ है, मैं बता रही हूँ। अगर आप उस बीच में, मेला के बीच में अगर आप एक बड़ा सा अगर आप एक स्टेज लगा देंगे, आप अक्षरा सिंह को लाइए, आप सीमा सिंह को लाइए, आप लेट रामपाल यादव को लाइए, सॉरी आपका राजपाल यादव को लाइए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए, और वैसे भी भाई वो हैंडसम चेहरा है, चेहरे पे लोग मरते हैं, दिल्ली के लड़कियां मरती है, पटना की लड़ सोची, इमेजिन कीजिए मोकामा में लड़, क्या कहते वहां पे लोगों की क्या हाल हो, गोरा चिट्टा चेहरा चमक रहा है ऊपर से, चेहरा देखने गए, सिंपल। इनके भाषण देने की जो शैली थी वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, चिराग पासवान, चिराग पर चिल्लाना अच्छी बात है, वैसे भी मैं तो बता रही हूँ कि चिल्ला। अच्छा, नालंदा की रैली को देखिए, नालंदा की रैली भी मैंने देखी है सब जगह की। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी भी हमारे पूरे भारतवर्ष में वी आर वेरी इमोशनल अबाउट बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार। आप कल लाके अक्षरा सिंह के सभाओं में, मोदी जी के सभाओं में भी खूब भीड़ लगता है और मोदी मोदी नारा लगता है, तो क्या कहिएगा अक्षरा सिंह? मोदी नो, मोदी जी इज अ लीडर, मोदी जी ने प्रूफ किया, चिराग जी ने अभी तक प्रूफ नहीं किया, अभी वो अपना ही रोना रो रहे, मेरा घर चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला। भैया पर्सनल एजेंडा को सामने मत रखिए, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ बिहार, बिहार के एजेंडा को सामने रख के बात कीजिए तो समझे। जिस दिन आप बिहार के एजेंडा को सामने रख के बात करेंगे हम आपको नेता मानेंगे, टिल नाउ यू आर जस्ट अ रियल हीरो। चलिए, देवजानी जी पूरा एकदम फॉर्म में है कह सकते हैं, पूरा एकदम बातें बता चुके हैं, बाकी हम
झकास भारत पर लाते रहेंगे। और भी कुछ बोलिए मैम? नहीं, हो गया, डन हो गया। चलिए रहने देते हैं, और भी तमाम बातें मैं करते रहूंगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, बाकी धन्यवाद।